जिंदगी चाहे जैसी भी चल रही हो पर हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। जिंदगी चाहे जैसी भी चल रही हो पर हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। मुस्कुराने से आधे गम यूं ही ख़त्म हो जाते हैं और ज़िंदगी और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने लगती है। जय माता रानी की। दोस्तों जुगराज हैं आप सभी सफल हब का सारा काम मैं दीपा नेगी रुद्रप्रयाग जिला और गिमतोली गोबटी आप सब मेरे सादर प्रणाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो दोस्तों चलिए आज फिर से एक नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, नई जोश नई उमंग नई हंसी और नई खुशी के साथ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी अपने चौक से और यहाँ पर मेरी गेहूँ काट रही हूँ यानी उनके अलग अलग भाग कर रही हूँ, जड़े अलग और बालियाँ अलग कर रही हूँ। तो हमने खेत का तो कंप्लीट कर दिया है, अभी हल बाकी है खेतों में। तो अभी मैं गेहूँ को यहाँ पे मतलब काट के डालूँगी और उनको धूप में सुखाने डालेंगे, फिर दिन में इनको हम कोटेंगे। तो ठीक है दोस्तों बने रहिए साथ में। अभी मैंने जाना है गुड़ाई करने, थोड़ा गुड़ाई करने जाती हूँ और पहले इसको काटती हूँ फिर गुड़ाई करने जाती हूँ। तो अभी इतना सारा है यहाँ पे तो ये सब गुड़ाई मतलब काटना है, उसके बाद गुड़ाई करने जाना है। तो ठीक है बने रहिए साथ में, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो फिर दोस्तों अभी मैं खेत पे जा रही हूँ और आधे रास्ते पे मैं आ गई हूँ और अभी जा रही हूँ मैं खेत पे। और जहाँ मैंने खेत पे जाना है वो खेत रहा, वो नीचे से देख सकते हो आप लोग कैसे हो रखा, पूरा मतलब नाज भी उतना ही हो रखा लेकिन उसमें कबाड़ भी उतना ज़्यादा ही हो रखा है। और यहाँ देखिए ये जैसे मेरा बॉडीगार्ड होगा भाई, ऐसे ही पता नहीं मैं इसको आधे रास्ते में देख दिया, इसको पता नहीं सपने आते होंगे कि आते होंगे कि चली गई मालकिन, तो पीछे से आ जाता है। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बोलना चाह रही हूँ कि अगर मेरे से कहीं पे वीडियो में कोई गलती होती है तो प्लीज़ आप लोग बताया करो, क्योंकि जब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे गलती है यहाँ पे आप गलत कर रहे हो तो मुझे तभी एहसास होगा और मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी दोस्तों जो मैं रियल हूँ मतलब जैसे मैं रियल में रहती हूँ वैसे मैं वीडियो में भी रहती हूँ, वो सब सामने दिखाई देती हूँ मैं आपको। और जैसे मैं हंसती हूँ वैसे मैं इसमें भी हंसती हूँ, जब मुझे कोई दर्द मतलब कमर दर्द कोई डर होता है तो मैं इसमें भी बोल ही देती हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ मेरी एक फैमिली जैसी बन गई है। तो ठीक है फटाफट से वहाँ चलते हैं खेत में और फिर बोर्ड के टाइम मिलते हैं आपको, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं खेत पहुँच गई हूँ और देखिए कैसे हो रखा हमारा खेत, बाप रे कितना ज़्यादा कबाड़ हो रखा है इसमें और इतनी आप बता रही। और अभी देखिए इतना इतना मैंने गोड़ा है यानी थोड़ा सा गोड़ा है अभी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कबाड़ों का कबाड़ के देखिए कैसे थुपड़े लग रखे हैं यहाँ। और यहाँ देखिए इतना बड़ा खेत है यहाँ पे भी नीचे से देख कर और कहाँ 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 सीधे उधर लास्ट बाउंड्री तक है। तो पता नहीं इसमें भी मुझे कितने दिन लग जाएंगे। तो ठीक है यार गुड़ाई करते हैं और अभी धूप नहीं लगी यहाँ पे, सबसे अच्छा यही है, लगने वाली आ गई इधर इधर तो आ गई है, धूप यहाँ पे भी आ ही जाएगी। ठीक है बने रहिए साथ में, मिलते हैं आपको थोड़ी देर। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं घर जाने की तैयारी कर रही हूँ यार, 10 बज गई है और घर जाती हूँ। अभी मैंने दुकान पे भी जाना है और फिर दुकान से घर आना है गेहूँ कूटने। तो जो मैंने सुबह काटे थे वो गेहूँ कूटने आना है मैंने दिन में 3-2.5 बजे। और अभी गोड़ा गुड़ाई मैंने इतनी की, ये देख सकते हो आप लोग इतना गुड़ा, और मेरा बुगुल ले रखा है ऊपर पे और यहाँ पे भी छूट गया और थोड़ा वहाँ पे भी छूट गया, जो पता नहीं ये करा होगा मैंने ऐसा कुछ यहाँ गोड़ा कुछ वहाँ गोड़ा। तो देखते हैं इसके बाद खेत में कितने दिन लगते हैं मेरे,
लेकिन अब मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं है, मैं आराम आराम से गोड़ाई करूँगी। तो मेरे कंधे में भी दर्द हो रहा है गोड़ गोड़ के, तो आराम से ही गोड़ूँगी। अब थोड़े मैंने कहीं जाना है यात्रा पे, जो मैं ऐसे लगूँगी घड़िया जैसी, तो आराम आराम से ही करूँगी मैं गोड़ाई। तो सासू जी कह रही हैं कि गोड़ाई कर, कोई ज़रूरत नहीं है दुकान पर जाने की। और हैवी जी बोल रहे हैं कि जल्दी से दुकान पर आ, कोई ज़रूरत नहीं है घर के काम करने की। तो आप बताओ मैं क्या करूँ यार। और जो है सबकी डर होनी ज़रूरी होती है, सांस की डर भी होनी ज़रूरी है, हैवी जी की डर होनी भी ज़रूरी है, लेकिन दोनों के मन की करती हूँ थोड़ा गुड़ाई कर ली है। अब हैवी जी की मन की करती हूँ, थोड़ा दुकान पे चली जाती हूँ। और अक्सर दोस्तों ऐसा होता है कि मतलब कोई अपने सर पे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद और बुज़ुर्गों का साया हमेशा रहना चाहिए, थोड़ी बहुत डर हमेशा होनी चाहिए इंसान को। अक्सर कहते हैं ना कि जिन बागों में मतलब माली नहीं होता वो बाग अक्सर उन बाग उजड़ा करते हैं, उनके फूल हर कोई तोड़ के ले जाता है, लेकिन होना चाहिए। अगर हम लोगों को अपने सास ससुर की डर नहीं होगी तो हम भी ऐसे बेफिक्र हो जाएंगे कि हमको कौन बोलने वाला है, लेकिन थोड़ी बहुत डर होनी चाहिए। और डर ही ज़िंदगी का मतलब, डर से ही हम अपनी ज़िंदगी का वो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो थोड़ी बहुत डर तो होनी चाहिए यार, और वो तो भाग्यवान होते हैं जिनको सास ससुर और बड़े बुज़ुर्ग डांटने वाले होते हैं, माता पिता डांटने वाले होते हैं। तो हमारे माता पिता हमको डांटते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए डांटते। आपको पता है कि जब मैं मायके जा रही थी ना, तो मेरे हैवी जी ने बोला था एक साल में जा रही है, तो एक काम करना एक दिन एक्स्ट्रा वहाँ रह लेना, यानी 12 तारीख को भी वहीं रह लेना। तो मैं आराम से सुबह उठी भी कहाँ, मैंने कहा नहीं जाना है ससुराल, आज तो आराम से सोए रहते। मेरे पापा जी ने उठाया मेरे को और बोला तू क्या से सो रखी वाली यार, तेरे को चोट नहीं है, बल्कि मैंने ससुराल जाना है। मैंने कहा पापा जी मेरे को आज की छुट्टी मिल रखी है, एक बार बुरा भी लगा मेरे को, बल ना ना ना, बल इतनी सारी जिम्मेदारी है, बल तेरी ससुराल जा, बल ना ना ना, बल तेरी दुकान का है, बल खेती बाड़ी का है, बल घर में बल बाल बच्चे हैं, बल तेरी ना ना ना, बल तू आज ही जा बल ससुराल, बल एक बार मेरे को गुस्सा भी आया। बाद में मैंने सोचा तो ला यार, मैंने कहा मेरे पापा ने सही तो बोला है कि मेरे सर पर तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो ऐसा होने चाहिए, थोड़ा बहुत डर होनी चाहिए। तो मेरी बातें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, तो मैं फटाफट से थोड़ा अभी कहीं भी यार रो रही है, बोलिए मेरे को भर, तो इसको भरती हूँ, थोड़ा घास निकालती हूँ, ठीक है। तो फिर दोस्तों निकाल दिया है मैंने घास भी, थोड़ा सा घर पे जाके गाय के सामने डालने के लिए हो जाएगा। तो ये देखो इतना छोटा सा ला रखा था हमने इसको, मतलब इसकी आँख भी नहीं खुली थी। और आपको पता है बीच में मतलब एक महीने के लिए खो गया था दोस्तों, और हम परेशान हो गए थे ढूंढते ढूंढते। तो एक दिन मैं ऐसी फ़ोन चला रही थी और इंस्टाग्राम चला रही थी मैं, वहाँ पे मुझे भुग्गू दिखाई दिया किसी के साथ, मैंने कहा ये तो मेरा भुग्गू है। तो मैंने तुरंत इंस्टाग्राम से उनको मैसेज दिया, मैंने कहा ये हमारा भुग्गू है, बल बोले थे नहीं नहीं, मैंने कहा है, मैंने कहा मैं वीडियो कॉल करती हूँ। अब मैंने वीडियो कॉल करी उनके सामने, मैंने उनके सामने इसका नाम पुकारा, तो इसने ऐसे देखा, मैंने कहा तब उसको मतलब इसको स्पेशली हम लेने के लिए गए और गाड़ी लेके गए, फिर वहाँ से लेके आए अपने बुबू को। तो फिर ठीक है दोस्तों, सीधे अब घर पर मिलते हैं आपको। हेलो दोस्तों, तो अभी मैंने नाश्ता कर लिया है और लग गई हूँ मैं मार्केट के लिए रास्ते, तो वो भी लग गई थी मेरे को, तो मैं जा रही हूँ मार्केट। थकान भी लग गई है, और साथ में आते आते सासू जी बोल दिया कि घर जल्दी आना वरना सोच लेना। मैंने कहा ठीक है आएंगी, कोशिश करेंगी जल्दी आने की। हाँ ठीक है यार, अभी थोड़ा सांस फूली मेरी। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट से घर, और साथ में जा रही हूँ आइसक्रीम खाते खाते। बताया आज खाना नहीं बनाया मैंने, आज थोड़ा दुकान पे ग्राहक आ गए थे तो खाना भी नहीं बनाया। तो मैंने हैवी जी को ऐसे बोला, मैंने कहा चलो शाम को बनाएंगे अच्छा सा खाना, दाल चावल बनाएंगे रात को। तो गेहूँ कूटने यार मन मेरा भी नहीं कर रहा था, अभी घर आने का मेरा मन कर रहा था दुकान पर रोज थोड़ी देर तक, बट क्या कर सकते हैं, घर का काम भी करना ज़रूरी है। तो अभी मैं आधे रास्ते पे हूँ, तो ठीक है दोस्तों मेरी आइसक्रीम भी गल गई, तो ठीक है आपको घर पे मिलते हैं सीधे। और ये मेरे पीछे से देखिए ये कबाड़ है, मतलब गाय को ले जा रही मैं इसको खिलाने के लिए। तो ठीक है
हेलो दोस्तों, तो अभी मैं घर पे आ चुकी हूँ और गेहूँ का कूटना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ देखिए, खुशी अभी बैठ रखी है और आज खुशी की दादी कूट रही है मेरे साथ गेहूँ। तो हम दोनों के बीच शर्त लगेगी कौन ज्यादा चुट्टी मारता है। तो आप देखते रहिए। आप तो भी जवान हो। मेरे सासू जी ने पुराने जमाने के कोदले, ये जो के रोटे कोदले कपड़ू खाए है ना, तो इन पे ताकत होनी जरूरी है। हम आज के जमाने के खाने वाले, तब हम पे नहीं है ताकत। सर्ग गिगड़ेगी बाल। जय माता रानी की। दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो कैसे आप लोग, आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं हूँ यहाँ पर और दादी और मम्मी गेहूँ कूट रही है, उन दोनों पे लगी है सर। तो मैं दिखाती हूँ आप दोनों को कौन ज्यादा करता है। प्लीज उसके लिए थोड़ा ऑल द बेस्ट, दादी के लिए भी और मम्मी के लिए भी जरूर। तो देख, दिखाती हूँ मैं आप सब लोगों को, ठीक है। तो शायद मैं दादी हार चुकी है और मम्मी जीत चुकी है। तो फिर दोस्तों, मैं थक गई हूँ, दादी जी भी थक गई है और आप खुशी कूट रही है। यहाँ देखो, शबाश में खुशी। अभी लगी हुई है फर्स्ट क्लास काम। निरंजन हेलो दोस्तों, तो फिर से वही प्रॉब्लम, लाइट चली गई और तूफान हवा हो ही नहीं रही है, तो पुनाई करने में दिक्कत आ रही है। तो अभी बैठ रही हूँ मैं और खुशी फिर से कूट ही रही है। तो खुशी ने अभी 100 चुट्टी मारी है भाई, और बोली है मम्मी 100 फिर से मारूंगी। मैं तो बोल रही हूँ 100 मत मार, तो फिर से 100 मार रही है बस। तो तक भी बड़ी मुश्किल से दिखा पाऊंगी, क्योंकि मम्मी के फोन में बैटरी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, और मैं इतनी लंबी वीडियो बनाने के लिए मम्मी को कहूंगी भी नहीं, क्योंकि वो 27-28 तक चले जाएगी, फिर इतनी लंबी वीडियो को देखता भी नहीं है। टाइम पास करने के लिए वो तो छोटी छोटी वीडियो लोग देख सकते हैं, पर इतनी लंबी वीडियो कोई नहीं देखेगा, इसलिए मैं आपको 50। हाँ तो हाँ, खुशी खुशी के लिए कल प्यारी प्यारी कमेंट्स आ रही थी, कोई बोला था खुशी को मेरे को दे दो। मेरे पास भी एक ही खुशी है, मैं आपको कैसे दे दूँ उसको। तो सच में आपके लिए, हाँ तो खुशी के लिए आप सभी ने बहुत प्यारी प्यारी कमेंट्स करी है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। तो ठीक है, खुशी कूटना स्टार्ट करो और मैं वो करती हुई वीडियो बनाती हूँ। और खुशी के दादी पे लग गई है सर। इतनी आफत आ गई है, क्या बताएं दोस्तों, सच में हालत खराब इस आसमान की, मैं तो बोल नहीं रही, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा ना इस आसमान को देख के, सच में दिमाग खराब कर दिया, गड़गड़ 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 24 घंटे गड़गड़ गड़गड़ कर रहा। ये गेहूँ कूटने के बाद ये भूखा निकलता है, ये गाय में बिछाने के काम आएगा, कभी कभी तो गाय खाती भी है उसको, तब ठीक
ठीक है। ये देखिए बेचारे कैसे बैठ रखे। तो ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपको। फिर बारिश लगने वाली है, इतना गड़गड़ाहट कर रहा है आसमान। और गाय पी रही है पानी। अभी इन बेचारे को भी अंदर बांधना पड़ेगा अगर बारिश आएगी ज़्यादा तो। इन्होंने भी कहाँ रहना बाहर। बोलू मोलू भी देखिए खा रहे हैं आराम से। और बारिश टपकने लग गई है बूंद बूंद पे। ठीक है, हेलो दोस्तों। तो कुछ आफत कम आई थी मेरे पे, जो आफत फिर से आ गई। ओह, हमारा पानी टूट गया है तो मैं पानी लगाने जा रही हूँ। और ये छाता भी रखा है मैंने, क्योंकि ये कैसे काल हो रखा ना। तो ये देखो बारिश आने स्टार्ट हो गई है और पानी नहीं आ रहा है, पानी टूट गया है घर पे। तो सासू जी बोले हैं दौड़ दौड़ के जा पानी लगा के, और बोल फोन को बोल घर ही पे छोड़, वरना तू फोन पे लगी रहेगी, बोल वहाँ वीडियो बनाएगी, बोल बोलेगी बोल हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों। तो मैंने कहा अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी होती है। सांस फूल गई मेरी। तो अभी पानी लगाने मैंने बहुत ज़्यादा दूर जाना है। तो ठीक है, बने रहे साथ में। मैंने जाना है वहाँ ऊपर, वहाँ पहले भी ले चुकी हूँ मैं आप लोगों को, ले जा चुकी हूँ। ठीक है दोस्तों। तो फिर दोस्तों पानी लगा दिया है मैंने। सामने देखिए टंकी वहाँ है, और वहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ से पानी निकलता है, लेकिन एकदम शुद्ध एवं साफ पानी है। अब तो चक्कर आने लगे वह मेरे को। तो फिर ठीक है, घर जाते हैं। यहाँ सिर्फ दीवार के ही पेड़ हैं। वाओ, मन कर रहा ना आप लोगों का भी कर रहा होगा मन इधर आने का ना। जो जो भैया दीदी लोग जो मतलब देश में रहते होंगे, विदेश में रहते होंगे, कहीं बाहर रहते होंगे ना, यहाँ देखिए कितना प्यारा लग रहा है। हेलो दोस्तों। तो अभी मैं गौशाला बैठ गई हूँ, दूध मैंने निकाल दिया है। और यहाँ आ गई है बहुत ज़्यादा बारिश, देख सकते हो आप मौसम कैसा है। और मैं घास डालने जा रही हूँ गौशाला में गाय के पास। तो ठीक है, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में।